अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। बनाना भी बहुत आसान है और बनते भी बहुत मज़ेदार हैं। अगर हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को फॉलो करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने चिकन बोनलेस चेस्ट का हमने ली है। तो अगर आप लोगों को लेग का मिले तो वो सबसे बेस्ट है, हमें नहीं मिला। तो ये 800 ग्राम है। उसके अलावा हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ये चंद हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक है, तो ये आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें डाल के कीमा निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने कीमा निकाल ली है, अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने मसाले जो लिए हैं, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ये फूड कलर है तकरीबन छोटा चाय का चम्मच चौथा हिस्सा, और ये अजवाइन चाय का चौथा हिस्सा, गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, और ये लाल मिर्च खाने का चम्मच 1/2 टेबल स्पून, ये भी 1/2 टेबल स्पून है दड़ा मिर्च। तो ये ऐड कर लेते हैं हम। और इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर लेते हैं। आपके पास घी हो तो घी सबसे बेस्ट है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे 5 से 6 घंटे के बाद हम बारबेक्यू में बनाएंगे। तो यहाँ हमने कबाब भर लिए हैं, अब हम इनको ग्रिल करेंगे। तो इस तरह हम इसकी चारों साइड पका लेंगे। Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel, comment, share, and like my videos.